Students, today I will discuss with you story of Hitler and I will introduce this chapter. Nazism, the heading of this chapter is Nazism, Rise of Hitler. Clear? So this chapter or this, you can say, event, Nazism political party, basically belong to which country? Germany. It means we will learn, we will study about the German condition. ठीक है, हमने जर्मनी की कंडीशन के बारे में पढ़ना. जब भी हम किसी भी चैप्टर में किसी कंट्री की स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमने उसका टाइम पीरियड अपने माइंड में रखना है कि हमने इसको किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक पढ़ना. तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हमारा इस चैप्टर का मेन टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, यानी कि हमने अब ये पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और उसके बीच में जर्मनी में क्या ऐसा हुआ, कैसे हिटलर जो थे वो कंट्री को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनकी पार्टी का नेम क्या था, नाजी पार्टी. नाजीज्म, उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं, नाजीज्म. और हिटलर, जब भी वर्ड हिटलर आप सुनते हो ना, सपोज कई बार बातों में हम कह देते हैं ना कि ये तो हिटलर बन गया. हिटलर वर्ड ही रिप्लेस करता है इसको डिक्टेटरशिप को. डिक्टेटर, डिक्टेट करना. What is the difference between dictatorship and democratic form of government? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. Democratic form of government, democracy में क्या होता है, people they have power to choose their representatives. But dictatorship form of government is that form in which only one person or group of people they control the whole country and powers are in only single hand. सारी कंट्री की पावर जो होती है वो सिर्फ एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होती है. उस कंट्री की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डिक्टेटर. ठीक है, अब देखा जाए इंडिया और हिटलर उस टाइम में हम कंपेयर करें. इंडिया में बहुत से अलग अलग जिसमें कहते हैं पोस्ट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, MPs, MLAs, स्टेट्स की बात करें तो CM, गवर्नर. ठीक है, और अलग अलग पोस्ट है. लेकिन जर्मनी की बात हम जिस टाइम की कर रहे हैं, उस टाइम पर में हिटलर ही वाज ओनली वन लीडर ऑफ होल कंट्री. हिटलर का कहा गया हर वर्ड जो था वो रूल बन जाता. ठीक है, तो ये हिटलर की मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का हमें थोड़ा टाइम पीरियड पढ़ना है. मे बी उससे पहले का अगर हम पढ़ेंगे तो हम हिटलर की स्टोरी ही पढ़ेंगे कि उसका बर्थ कब हुआ और किस तरह से उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक किस तरह से अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया और वो उसका मेन जिसे हम कहते हैं कि टारगेट क्या था, उसका एम क्या है ना. अब आप सब बच्चों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज ग्रुप कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक तरफ, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्री हंगरी एंड टर्की दूसरी. आपने 9th क्लास में दो चैप्टर पढ़ लिए हैं, फ्रांस एंड रशिया, जो की जीती हुई कंट्रीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. जीती हुई कंट्रीज आपने पढ़ी, एक आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा और एक आपने पढ़ा रशिया के बारे में. नो डाउट रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि उस टाइम पर में ज़ार निकोला सेकंड. अब हमने एक हारी हुई कंट्री पढ़नी है. जब कोई कंट्री वॉर में हार जाती है तो उसका क्या हाल है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी, आपको ग्रुप याद होगा, जर्मनी, ऑस्ट्री हंगरी, टर्की. जर्मनी एक लूजर, जिसे हम कहते हैं डिफीटेड कंट्री थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. और जब जर्मनी जो है दैट वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, then Germany faced many problems. German government faced many problems. अब हम उन्हीं problems को आगे discuss करें. First World War की बात करते हैं. तो just अभी मैं आपको introduction दे रही हूँ. हम पूरा chapter जो है क्या है, ठीक है, अभी आप just पूरी story, इसको story की तरह इसको learn करो. जब भी आपने कोई भी chapter learn करना होता ना, सारा chapter जो है उसको पहले उसके headings जो है उसको note करो. उन headings को आगे फिर उसके सब headings बनाओ, ताकि सीक्वेंस में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ग्रुप कौन से थे. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में व्हेन जर्मनी वाज डिफीटेड,
एट दैट टाइम. अब जब जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई, उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट कौन सी थी? मोनार्की गवर्नमेंट. जर्मनी की गवर्नमेंट कौन सी थी? मोनार्की. और जर्मनी के किंग कौन थे? काइजर विलियम. काइजर विलियम सेकंड. ठीक है. अब काइजर विलियम सेकंड जब जर्मनी जो है वो हार गई, तो किंग जो है उसको बहुत ज्यादा जिसमें कहते हैं कि इंसल्ट फील हुई. और ऐसे में किंग जो थे उनको ये था कि अब जर्मनी हार गई है तो सारा जो है बर्डन, वो जर्मनी का बर्डन जो है वो उनके ऊपर आ जाएगा. और इसीलिए काइजर विलियम जो थे वो कंट्री छोड़कर चले, ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री. आप ये सोचो कि ये कंट्री का जो हेड है वो चला गया कंट्री छोड़कर. अब कंट्री को कौन संभालेगा? एक हारी हुई कंट्री को कौन संभाले? ठीक है. तो अब इसके बाद जर्मन यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद जर्मनी में बहुत सी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, लोगों ने अपनी असेंबलीज बनाई, क्योंकि अब किसी ना किसी ने तो कंट्री को संभालना था. और इस तरह से जर्मनी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसको कहा जाता है वाइमर रिपब्लिक. वाइमर भी कह सकते हो, वीमर भी कह सकते हो. क्यों? वीमर जो था वो प्लेस का नेम है जहां पर गवर्नमेंट को बनाया गया. और रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि कंट्री में इलेक्शंस करवाए. अब आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कंट्री में क्या था? मोनार्की सिस्टम. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाने के बाद जब काइजर विलियम कंट्री छोड़कर चले गए, तो उस टाइम पीरियड में कंट्री में इलेक्शंस हुए. और उन इलेक्शंस में बहुत ही छोटी छोटी पार्टीज ने मिलकर अपनी एक कोलिजन गवर्नमेंट. कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते, देन टू मैन सो मेनी पार्टीज ज्वाइन हैंड्स एंड फॉर्म गवर्नमेंट. सो दैट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज नेम्ड एट वीमर रिपब्लिक. उसको वीमर रिपब्लिक भी कहते हैं. जो जर्मनी में नई गवर्नमेंट बनी थी ये डेमोक्रेटिक थी. ठीक है. अब आप इस कंट्री में ये भी देखोगे कि डेमोक्रेसी हर कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाती. बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई. और आगे भी अगर हम आज के टाइम में भी वर्ल्ड की बात करें, तो सऊदी अरेबियन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है. एंड स्टिल दीज कंट्रीज, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री. तो वी आर डेवलपिंग, वी आर डेवलपिंग, डेवलपिंग मतलब अभी भी डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जर्मनी जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जर्मनी जो है जो नई गवर्नमेंट बनी, तो वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द जर्मन नेशन. रीजन, अब इसका हम रीजन देखेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. प्रॉपर गवर्नमेंट का नेम था, इनकी पार्लियामेंट भी थी, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट थी, गवर्नमेंट थी, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन. लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब जीती हुई कंट्रीज ने जर्मनी के डेलीगेट्स को बुलाया और इनको वॉर से रिलेटेड ट्रीटी साइन करने के लिए कंपेल किया गया. और उस ट्रीटी को क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साय. आपको याद होगा वर्साय क्या था? फ्रांस का जो पैलेस था जहां पर लुई 16 रहते थे. इसका मतलब क्या है? फ्रांस एक जीती हुई कंट्री थी ना, तो जीती हुई कंट्रीज ने जर्मनी के डेलीगेट्स को फ्रांस बुलाया, पैलेस ऑफ वर्साय. वहां पर जर्मनी से पीस ट्रीटी, इसको पीस ट्रीटी भी कहते हैं. जब वॉर बंद हो जाती है, जर्मनी हार गई, हारने के बाद उनको पीस ट्रीटी के लिए बुलाया गया. डेलीगेट्स, डेलीगेट्स कौन? किसके डेलीगेट्स? वाइमर रिपब्लिक के डेलीगेट्स. कुछ लोगों को बुलाया गया, गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स को बुलाया और उनको एक ट्रिटी साइन करने के लिए बोला, एग्रीमेंट. ट्रिटी, ट्रिटी का मतलब क्या है? एग्रीमेंट, ट्रिटी ऑफ वर्साय. अब इस एग्रीमेंट की कंडीशंस बहुत हार्श थी. हार्श क्यों थी? आपको पता है कि जीती हुई कंट्रीज ने टोटल एक्सपेंडिचर का जो बर्डन था वो किसके ऊपर डाल दिया? जर्मनी के ऊपर डाल. वॉर गिल्ट क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है? अलग अलग पॉइंट होती है और उसमें एक पॉइंट था वॉर गिल्ट क्लॉज का. मतलब है कि पूरी कंट्रीज में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, जीती हुई कंट्रीज में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसका कुछ परसेंट जर्मनी को पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो आप ये सोचो कि जर्मनी तो खुद एक हारी हुई कंट्री थी,
ऊपर से उसको ट्रीटी ऑफ वर्साई की कंडीशन जो है वो भी साइन करना पड़े। इसके अलावा जीती हुई कंट्रीज ने जर्मनी के बहुत से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो थे उन रिसोर्सेज को कंट्रोल किए, आयरन माइंस, कोल माइंस, एंड जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज का मतलब क्या होता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिड्यूस करो, आर्मी को रिड्यूस करो, ताकि इन फ्यूचर जर्मनी कभी भी इन कंट्रीज के ऊपर अटैक ना कर पाए। ये मेन मोटिव ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्लियर? तो सबसे पहले आपने वीमर रिपब्लिक बताना है कि वीमर रिपब्लिक कैसे बनी, उसके बाद फिर हम बताएंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ये पूरा ही क्वेश्चन आपका बनेगा, ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप पूरे चैप्टर को एक स्टोरी की तरह याद करें, ठीक है? ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो जब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी, इसमें मैम ने कहा था ट्रीटी ऑफ वर्साई का मतलब है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग टर्म्स साइंड बाय वीमर रिपब्लिक फ्रॉम जर्मनी, ठीक है? एंड एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें कि जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा। अब आप ये सोचो कि जब जर्मनी के डेलीगेट्स, जो वीमर रिपब्लिक के डेलीगेट्स, उनको ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अगर वो साइन ना करते तो शायद जर्मनी जो था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता और जीती हुई कंट्रीज जो थी वो जर्मनी के एरियाज को अपने में ऐड कर ले। अपनी कंट्री को बचाने के लिए वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब वो अपनी कंट्री में वापस जाएंगे उनको क्या फेस करना पड़ेगा। व्हेन दे केम बैक, यू नो, दे वर कंसिडर्ड एज नोवेम्बर क्रिमिनल। क्योंकि ये ट्रीटी जो थी वो नवंबर के मंथ में साइन हुई, इनको क्या कहा गया, नवंबर क्रिमिनल, इनको क्रिमिनल कहा गया उनके लोगों ने, गवर्नमेंट ने नहीं, लोगों ने कहा। क्यों कहा? उनको ये, लोगों को ये लगा कि एक तो वैसे ही हमारी कंट्री हार गई थी और ऊपर से पूरी कंट्रीज की हार का या जो भी एक्सपेंडिचर का खर्चा वो जर्मनी पे करेगा उनको, और इसलिए पीपल दे वर अनॉयड, दे बिकेम एग्रेसिव, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वीमर रिपब्लिक। लोगों का सपोर्ट खत्म हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से विश्वास खत्म हो गया, फेथ खत्म हो गया, क्योंकि लोग ये चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि वीमर रिपब्लिक ने किस कंडीशन में ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन किया। तो वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट वेलकम एट ऑल, दे वर कंसिडर्ड एज नवंबर क्रिमिनल बिकॉज वॉर गिल्ट क्लॉज वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी एंड पीपल दे वर यू कैन से अनॉयड, दे बिकेम अनॉयड, ठीक है, एंड दे बिकेम एंग्री व्हाई दीज पीपल दे साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करने के बाद नेक्स्ट, मतलब वॉर, सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1918 में, 1918 के बाद 1919, 1920, 1921, 22 का टाइम बहुत क्रूशियल टाइम था जर्मनी के लिए, क्योंकि अब जर्मन गवर्नमेंट जो थी, वीमर गवर्नमेंट जो थी, उसको कंट्री को भी डेवलप करना था और कंट्री के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे उनसे उनको जो भी इनकम मिलती उसको वॉर कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन क्या, लड़ाई का जो पूरी वॉर का जो भी खर्चा था जो इनके ऊपर डाल दिया था वो भी विनर कंट्रीज को पे करना पड़ा। और ऊपर से इनके कुछ रिसोर्सेज भी फॉरेन कंट्रीज ने ले लिए थे, कोल माइंस, आयरन माइंस, बहुत से ऐसी माइंस जहां से इनकम एक्सट्रैक्ट की जा सकती थी उनको बेचकर, दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ विनर कंट्रीज। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। तो अब मंडे को मैं, जब भी हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा तब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप उसमें बताओ, ठीक है? इसके बाद फिर हम बताएंगे कि 1921 से लेकर 22-23 तक कंट्री का कंडीशन जो थी दैट गो डाउन एंड डाउन, और ज्यादा वर्स्ट होती है। और 1923 एक जिसे कहते हैं कि सबसे, मतलब वर्स्ट ईयर था, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि टोटली फैक्ट्रीज में काम नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कहाँ से लगाते, उनके पास, गवर्नमेंट के पास तो मनी नहीं थी, जो मनी इकट्ठी हो रही थी वो फॉरेन कंट्रीज को पे करनी पड़ रही थी, ऊपर से चीजों के रेट बढ़ते जा रहे थे और जर्मन की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई। और आपको पता है जब किसी कंट्री की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी डाउन हो जाती है। करेंसी की वैल्यू डाउन होने से अब जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर एक और बर्डन पड़ गया, उनको अपनी करेंसी को विनर कंट्री को कन्वर्ट करके पे करना पड़ता था। जैसे अगर हम रूपी को कन्वर्ट, अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री को पे करना है तो हम पहले रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उनको डॉलर्स में पे करेंगे, तो दैट वाज आल्सो बर्डन। और दिस कंडीशन
lead to crisis in the country, financial crisis. जब किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, तो उस कंट्री में तीन मेन बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड. जब लोगों के पास मनी नहीं होता, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग क्राइम करते हैं, तो क्राइम एक्टिविटीज वर इंक्रीजिंग. सो दिस वॉज द कंडीशन फेस्ड बाय जर्मन पीपल एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर गवर्नमेंट ऑल्सो. हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पीपल एज वेल एज फ्रॉम द फॉरन कंट्रीज. फॉरन कंट्रीज जो है उनके ऊपर बर्डन जो और डाल रही थी कंपनसेशन. तो जर्मनी ने क्या किया, दे सरेंडर. सरेंडर का मतलब होता है कि नाउ दे विल नॉट बी एबल टू गिव मनी टू द विनर कंट्रीज, कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे. तो विनर कंट्रीज ने क्या किया, जर्मनी के बहुत से इंपॉर्टेंट एरियाज को ले लिए, जो और भी माइंस एरियाज थे या जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, दीज एरियाज वर टेकन बाय फॉरन कंट्रीज. और इस तरह से जर्मनी की इंटरनेशनल वैल्यू, इंटरनेशनल जो उसकी एक रिकॉग्निशन थी, वो खत्म हो. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1923 में, ठीक है, जर्मनी को अब अपनी इकोनॉमी को जिसे हम कहते हैं कि बूस्टअप करने के लिए जर्मनी को लोन लेना पड़ा. लोन किसे लिया, फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि जर्मनी के पास तो बिल्कुल भी बनी नहीं, और लोन लिया गया. कुछ यूएसए की तरफ से लोन मिला जर्मनी को, कुछ और कंट्रीज ने लोन दी, ठीक है. और इस लोन की हेल्प से वाइमर रिपब्लिक जो थी वो कंट्री को धीरे 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 जो है वो कंट्रोल कर रही. इसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब एक और स्टेप आता है, डिप्रेशन. 1929, फिर 1929 का एक ऐसा ईयर आया जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड डिप्रेशन आ, क्योंकि अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ठीक है. 1930 में ऑल ओवर वर्ल्ड डिप्रेशन फेस हो रहा था. जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं लॉकडाउन है, कोरोना टाइम पीरियड है, पेंडेमिक था, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय मेनी पीपल. अनएम्प्लॉयड, मेनी पीपल दे अनएम्प्लॉयड, वर्कर्स लेबर, ठीक है, वो उनको फैक्ट्री से निकाल दिया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो लेबर जो थे वो अपने अपने विलेज एरियाज में वापस चले गए. तो ऐसी ही प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड में आई 1929 में. यूएसए को लॉस हुआ. यूएसए ने क्या किया, जितनी भी कंट्रीज को उन्होंने लोन दिया हुआ था उनको डेडलाइन दे दी, और जर्मनी को भी सारे के सारा जो लोन था विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएसए को वापस करना. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. तो आगे हम ये कह सकते हैं कि वाइमर जो गवर्नमेंट थी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी. और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वाइमर रिपब्लिक एक कोलिजन गवर्नमेंट थी जिनके आपस के बीच में क्लैशेज भी खत्म नहीं होते थे. जब अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी तो उनके क्लैशेज कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे. तो ये भी वाइमर रिपब्लिक का एक अपना डिफेक्ट था कि वो क्या करते थे, आए दिन उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, मिनिस्टर चेंज हो जाते थे. कई बार वो कंट्री में इमरजेंसी भी लगा देते थे, इमरजेंसी लगाकर लोगों के राइट्स ले लिए जाते थे, कंट्री में जब चाहे इमरजेंसी लग जाती थी. तो ऐसी कंडीशंस में जर्मन लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, ठीक है. 1929 इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हिटलर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिटलर जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर थे जो जर्मनी की तरफ से लड़े थे. जब जर्मनी कंट्री में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई तो उनके ऊपर अपनी कंट्री के हार जाने का एक जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा जो है उनको फील, क्योंकि वो एक सोल्जर, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो एक सोल्जर थी. वो अपनी जर्मनी के हारने का बदला पूरे वर्ल्ड से लेना चाहते, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन की. 1929-1930 तक जब उन्होंने कंट्री में देखा कि वर्स्ट कंडीशन है, तब हिटलर जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की. उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम क्या था, जर्मन वर्कर पार्टी. धीरे धीरे फिर इसने इस पार्टी का नेम चेंज किया, और आपको पता है कुछ ही ईयर्स में उन्होंने पार्टी के लिए इतना अच्छा वर्क करके दिखाया कि धीरे 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 उस पार्टी के वो लीडर बन गए. और बाद में उन्होंने इस पार्टी का नेम चेंज करके क्या रखा, नाजी. इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, वैसे ही आपने इसको याद रखना है, नाजी पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी. फिर 1930 के बाद कंट्री में फिर से इलेक्शंस करवाए, और इन इलेक्शंस में हिटलर ही वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. और धीरे 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 नाजी जो थे यानी कि हिटलर, उनकी रिकॉग्निशन पूरी कंट्री में हुई और लोग उनको पहचानने लगे. और हिटलर के प्रॉमिसेस, फैसिनेटेड प्रॉमिसेस,
हिटलर ने कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए जिनके बेसिस के ऊपर लोग जो थे वो इनको पसंद करना शुरू। कैसे कैसे प्रोमिसेस दिए उन्होंने? नंबर वन, 100% एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरी पार्टी को वोट करोगे तो वी विल प्रोवाइड 100% एम्प्लॉयमेंट, सेफ फ्यूचर, एजुकेशन, यूथ, ठीक है। एंड हिटलर जो थे उनके कुछ पर्सनैलिटी, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी थी, पावरफुल स्पीकर, जब भी वो स्पीच देते थे दूर दूर से लोग उनको सुनने आते थे। तो दिस वॉज द रीजन वाई हिटलर ही वन मैक्सिमम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। एंड फाइनली 1933 में हिटलर ही बिकेम द रूलर ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के रूलर उनको बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जब, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी पावर किसी के हाथ में आती है तो वो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वे से कंट्री में डेवलपमेंट करते हैं। तो हिटलर भी जब पावर में आए, पहले पहले तो उन्होंने पॉजिटिव किया, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे विद द हेल्प ऑफ दैट, अपनी पार्टी के साथ उन्होंने उन प्रॉमिसेस को पूरा किया, ठीक है। लेकिन धीरे 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 उन्होंने क्या किया, कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म कर। हिटलर ने क्या किया, आते ही एक नया लॉ बनाया, एनेबलिंग एक्ट, और उस एक्ट में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। हिटलर का ये मानना था कि कोई भी कंट्री तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक वहां पर डेमोक्रेसी है, और इसलिए उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही खत्म कर दिया और सारी पावर्स को अपने कंट्रोल में किया। पीपल देवर इंटरेस्टेड, लोगों को लग रहा था कि यस इट इज गुड इफ हिटलर इज डूइंग दिस तो इट इज गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हिटलर के माइंड में क्या था, ठीक है। तो लोगों ने उस जो है वो हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड फेथ, लोगों ने ब्लाइंड फेथ किया हिटलर के ऊपर, बट ऑल इन वेन। 1933 के बाद आप ये सोचो कि हिटलर जो थे 1933 से लेकर 1939 तक कैसे उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया, और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत उन्होंने की हिटलर जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारी हुई कंट्री थी और पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनको कंपनसेशन पे करने में लगा दिया हिटलर ने, जब हिटलर 1933 में ही बिकेम द डिक्टेटर, तो 1933 से लेकर 1939 तक इन पर्टिकुलर ईयर्स में हिटलर ने अपनी कंट्री को इतना ज्यादा डेवलप किया, ही वॉज एबल टू अटैक। और सबसे पहले उसने अटैक इसके ऊपर किया पोलैंड, पोलैंड पे अटैक किया, एंड पोलैंड जो थे पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसएसआर, ठीक है, दे केम फॉरवर्ड, एंड विद दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो आपको ये हैरानी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक हारी हुई कंट्री ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे अटैक किया, और इस तरह से वो जर्मनी पोलैंड को ऑक्यूपाई करना चाहता था, और विद दिस पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जो थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर अटैक किया, और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुई थी, 1945। आप ये देखो कि 1945, 1939 से लेकर 1945 तक हिटलर जो थे उन्होंने सर्वाइव किया, और अपनी कंट्री जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अपनी कंट्री को उन्होंने प्रॉपर जो है अपनी कमांड अपने हाथ में रखी, क्लियर। तो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रही, इन बिटवीन जर्मनी के बाहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन जर्मनी के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सेम जैसे हमने रशिया में डिस्कस किया था कि रशिया एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो था एक वॉर स्टेट था, लेकिन रशिया के अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, और जिसके कारण रशिया में दो रेवोल्यूशन हुए थे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेनिन रेवोल्यूशन, ठीक है, और करेंस्की रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा। ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी जिस टाइम पर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, जर्मनी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जर्मनी में कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, जर्मनी में अपनी ही यानी कि नाजी पार्टी ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही, और सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन जर्मनी में किनकी थी, ये हमने आगे जाके हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको वैसे ही इसमें बता रही हूँ।
Jewish. Jews, कौन थे Jews? Hitler जो थे उनकी रेस कौन सी थी? Nordic, जर्मन, आर्यन रेस, ये याद रखना आपने. हिटलर ही बिलोंग टू नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस. इस रेस के लोगों का जो मेन आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, फेयर कलर, ठीक है, ब्राउन हेयर्स, ब्लू आईज, ठीक है. तो ये मेन जिसे हम कहते हैं कि उस टाइम पीरियड का जो है वो कंडीशंस मानी गई, ठीक है. देन अब ये ज्यूइश कौन थे और हिटलर इनसे हेट क्यों करता था? व्हाई हिटलर हेटेड ज्यूइश? ज्यूइश कौन थे बच्चे? ये आपने ना क्रिश्चियन जो स्टोरीज हैं, ज्यूइश वर कंसिडर्ड एज किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट. ज्यूइश को माना जाता है कि उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट थे उनको क्रूसीफाई करने में जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की थ्योरीज नहीं मानते. जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि गॉड और किंग कभी भी बराबर नहीं हो सकते. गॉड ऊपर है, किंग नीचे, ठीक है. लेकिन उस टाइम के जो किंग थे वो अपने आप को गॉड मानते. तो जो ज्यूइश थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट की इन बातों को डिनाई किया, ठीक है. उनके ऊपर चार्ज लगाए गए और बाद में उनको क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस के ऊपर उनको क्रूसीफाई कर दिया. तो हिटलर का कहीं ना कहीं ये मानना था कि जो ये ज्यूइश हैं, ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट को उन्होंने, क्योंकि वो क्रिश्चियन था ना, तो उनको ये लगता था कि ज्यूइश जो है वो कंट्री से क्या हो जाने चाहिए? एलिमिनेट. एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? या तो उनको कंट्री से निकाल दो या कंट्री के अंदर ही उनको मार दो, ठीक है. तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसने किनके ऊपर किया? ज्यूइश के ऊपर. और आपको पता है उस टाइम पीरियड में ज्यूइश का नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी. और ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स टू डेथ. हिटलर के स्टेप्स टू डेथ जो है बहुत, जिसे हम कहते हैं कि इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था बाद में 1945 के बाद, जब जर्मनी हार गई. जर्मनी जो है वो एक हारी हुई कंट्री है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. 1945 के बाद जब जर्मनी हार गई, जर्मनी के हार जाने के बाद जब फॉरेन कंट्रीज जर्मनी में गई तो उन्होंने जर्मनी की ऐसी कंडीशन देखी कि कोई भी पर्सन बिलीव नहीं कर सकता था कि इन ज्यूइश के साथ क्या किया गया. तो ये हम आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ज्यूइश को खत्म किया, कैसे ज्यूइश के ऊपर उसने जो है वो एट्रोसिटीज की, कैसे इनको एक्सप्लॉइट किया. इवन आप बहुत सी स्टोरीज भी हैं जिन स्टोरीज में आपने ज्यूइश के बारे में पढ़ा होगा. इवन आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ एनी, है ना. तो उसमें भी उन्होंने अपनी एक लाइफ, अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे सर्वाइव किया उन्होंने और किस तरह से उनकी फैमिली को किस तरह से घेटोइजेशन जो एरियाज होते थे उन एरियाज में ज्यूइश को रखा जाता था, ठीक है. हाँ जी. तो इसके बाद हम ये इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हिटलर ने अपनी कंट्री में अपना डिक्टेटरशिप जो है उसको और ज्यादा डीप रूट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए. तो उसके बाद 1945 जब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो थी दैट वाज डिफीटेड अगेन बाय द विनर कंट्रीज, ठीक है. जर्मनी, हिटलर ने दो और कंट्रीज के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो ग्रुप बनाया था. तो इसका मतलब है अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज याद होनी चाहिए. अगेन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और दूसरी तरफ कौन सी थ्री कंट्रीज थी? जर्मनी, इटली और जापान. अगेन आई एम टेलिंग, जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है. तो इटली और जापान ने जर्मनी को सपोर्ट किया. लेकिन 1945 में सबसे पहले जापान जो थे उन्होंने क्या किया? यूएसए, यूएसए का एक ना एक बेस था, नेवल बेस, वहां पे अटैक किया पर्ल हार्बर. और इससे यूएसए जो था वो जापान के एंटी हो गए और यूएसए ड्रॉप, आपको ये याद होगा सारा, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन टू सिटीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 में क्या हुआ? यूएसए ने जापान की दो सिटीज
हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम, ठीक है, वो ड्रॉप किया. एंड विद दिस जापान लॉस्ट, जापान की हार हो गई, इटली भी हार गया, और उसके बाद कौन बचे, 1945 में जर्मनी हिटलर. अब हिटलर को ये अंदाजा हो गया था कि जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज के साथ किया, अगर वो कंट्रीज हिटलर को अगर पकड़ लेती हैं तो उसके साथ क्या होगा. तो यू नो व्हाट हैपेंड विद हिटलर, एनी गेस अबाउट हिटलर. अब 1945 में हिटलर को ये लगा कि अगर वो विनर कंट्रीज के हाथ में लग जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा. तो यू नो व्हाट ही डिड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई तो हिटलर ने क्या किया, एनी गेस. हर्षदीप कौर, वेरी गुड. हाँ जी, यस मैम, वो जर्मनी छोड़ के भाग गया. और वो तो काइजर विलियम ने किया था. और धैर्य, हाँ जी, यस मैम, मैम उसने सुसाइड कर लिया. Under the bunkers, अपनी फैमिली के साथ और अपने दो तीन मिनिस्टर्स के साथ उसने क्या किया, बंकर्स जो है ना वहां पे सुसाइड कर लिया. रीजन क्या, क्योंकि अब उसको अपना एंड, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो पूरी थ्रू आउट द लाइफ अपनी, जिसे कहते हैं कि डिक्टेटर्स बन के जिए, उनको अब ये डर था कि अगर वो विनर कंट्रीज के हाथ में पड़ जाएंगे तो थ्रू आउट द लाइफ उनके साथ क्या होगा. And that's why he committed suicide with his family and some of the ministers. ठीक है, तो next day आप ये सोचो कि जब newspaper में जर्मनी के लोगों ने ये पढ़ा होगा Hitler reported dead, तो लोगों ने कितना जो Jewish जो थे या जो बचे लोग उन्होंने कितना ज्यादा जो है वो sign of relief उनको मिला हो. और अब हम ये तो कुछ भी नहीं जो मैंने आपके साथ discuss किया था, आगे हम Hitler की atrocities पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी कंट्री में जोइश को या बहुत से ऐसे डेमोक्रेटिक लोगों को या जो लोग उनको अपोज करते थे उनको कैसे टॉर्चर किया. तो आप ये देखो कि एक ऐसा पर्सन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी कंट्री को फेम दिलाना चाहता था, इलेक्शंस में लोगों ने उसको जिताया और उसके बाद जब वो कंट्री का डिक्टेटर बना तो हाउ ही चेंज, कैसे वो चेंज हुआ और किस तरह से उसने अपनी कंट्री को कन्वर्ट किया इंटू डिक्टेटर कंट्री. और 1945 के बाद अगेन जर्मनी वॉज अ लूजर कंट्री, जर्मनी वॉज अ डिफीटेड कंट्री, लेकिन इस बार उसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई जैसी हार्श कंडीशंस नहीं लगाई विनर कंट्रीज ने, क्योंकि विनर कंट्रीज अब नहीं चाहती थी कि फिर से कोई सेकंड हिटलर बने. ठीक है, और बहुत से नाजी पार्टी के सोल्जर्स जो थे उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस चले. ठीक है, तो ये हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नाजी पार्टी और जर्मनी और हिटलर ने किस तरह से अपनी कंट्री को एक डिक्टेटर कंट्री जो है वो बनाया. ठीक है बेटा, हाँ जी, जी आ जानवी, यस बेटा, हाँ जी मैम, एक बार कंट्रीज रिपीट कर दो जो वर्ल्ड वॉर टू में थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कौन सी कंट्रीज थी, एक तरफ थी जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस. क्लियर, थैंक यू बेटा.